छोटी छोटी बातें दोस्तों हम सब के बहुत कभी कभी काम की होती हैं। आप देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी घर में बहुत रुकावटें आती हैं आपको सभी कामों में। तो आप घर में देखें, कोई आपके घर में जरूर कुछ ऐसे फालतू सामान पड़े होंगे जो आपके काम के नहीं हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हैं तो उनको घर में नहीं रखना चाहिए। ये फेंग शुई कहती है, वास्तु कहता है, लाल किताब भी कहती है, दूसरे ग्रंथ भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद रखना, जहाँ खराब हों, मतलब अगर खराब पड़ी हैं, रिपेयर करवाने वाली हैं तो रिपेयर करवा दें उनकी, नहीं किसी को दे दें जहाँ उनको फेंक दें। ऐसे ही फालतू सामान और आपके घर में पड़ा हुआ है तो उसको भी आप निकाल दीजिए। कभी कभी आप कहते हैं कभी काम में आएगा, कभी काम में आएगा, तो आप देखेंगे जिन चीज़ों की पिछले 5 साल में 7 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे भी शायद नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो फालतू की चीज़ें घर में पड़ी हैं वो भी घर की प्रगति में एक अवरोध होता है, उनको निकाल देना चाहिए। मेरे विचार से इससे बहुत लाभ होगा।